नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज ने 88,000 सनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूं, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी की अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ जैसी त्रैलोक के सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराया करता है, यह बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूं, आज मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलासयुक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, प्रिय 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो, तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैं श्री कृष्ण तुम्हारी सत्यभामा इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी गौवों से भी युद्ध किया। गरुड़ की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे तीन वस्तुएं उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके तीन पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभो, कृपया कर मुझे मेरे पूर्व जन्मों में के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं, मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व जन्म में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांता का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण से अपनी कारण विवाह करने के लिए चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश की सुविधा लेने के लिए जंगल गए। तब हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर
भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ थे। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे इसलिए मेरे पार्षद उन्हें वैकुंठ धाम मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर प्रति प्रसन्न था। गणेश जी, शिव जी, सूर्य और देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से पांच प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, धनवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन आए तो वो दिव्य भोगों को भोगने लगे। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।